इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के नए कुलगुरु को कांग्रेस ने काले गुलाब भेंट किए। इस विश्वविद्यालय को किसी की नजर नहीं लगे, इसलिए कांग्रेसियों ने उन्हें काले गुलाब भेंट किए हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के नए कुलगुरु राकेश सिंघई ने आज पदभार ग्रहण किया है। पदभार ग्रहण के दौरान कांग्रेसी भी उनसे मिलने पहुंचे। यहां कांग्रेस ने उनका स्वागत काले गुलाब देकर किया और कहा कि यह काले गुलाब इसलिए दे रहे हैं क्योंकि विश्वविद्यालय को किसी की नजर नहीं लगे और विश्वविद्यालय में कार्य सुचारू रूप से चले। पूर्व में जो विश्वविद्यालय में गलतियां हुई है, पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, वहां इस बार ना हो और जो भी दोषी है उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए और उनकी मान्यता भी रद्द कराई जाए। अपना कार्यभार ग्रहण करा, पदभार ग्रहण करा। आज हम उनको काले फूल इसलिए देने आए थे कि जिस तरह देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का स्वर्णिम इतिहास रहा, मगर पूर्व में कई वर्षों से हम देखने आ रहे हैं कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के नाम पर कई बार कालिक पुती है पेपर लीक कांड को लेकर। वो तमाम पेपरों के अंदर लेट लतीफ़ी हुई है, कई छात्रों को परेशान होना पड़ा है। मतलब आप समझिए कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के रिजल्ट कई बार लेट आए, सैकड़ों बार आपको देखने में आए कई छात्र आंदोलन रहते रहे हैं। तो हम कुलपति महोदय को गुलाब के फूल काले इसलिए दिए हैं कि उनके कार्यकाल को नज़र ना लगे और आने वाला समय उनका जो 4 साल का कार्यकाल है वो स्वर्णिम रहे, छात्रित्र में काम हो। और दूसरा, हम इसका विरोध भी दर्ज कराने आए हैं कि इंदौर शहर के सारे शिक्षाविदों को मात कर वो कुलपति बने हैं, क्योंकि इंदौर शहर में शायद मध्य प्रदेश शासन को और माननीय राज्यपाल महोदय को ऐसे कोई शिक्षाविद नहीं दिखे कि जो इंदौर शहर को समझते हों, जानते हों और इंदौर शहर की छात्र जगत को समझते हों, उनको कोई नहीं मिला। और उन्होंने बाहर से एक आयातित कुलपति इंदौर शहर के अंदर दिया है। ये दोनों ही चीज़ों को लेकर आज हम माननीय देवेंद्र सिंह यादव और गिरीश जोशी हम सब साथ में आए और हमने उनको काले गुलाब भेंट किए। बहरहाल कांग्रेस अलग अलग तरह से विरोध प्रदर्शन कर लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।